नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज और आप सीनियर फिक्स देख रहे हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे पहला दिन अबीरा का कॉलेज में था, जैसे ही अबीरा अपने कॉलेज से आती है, घर के जितने बच्चे होते हैं इंक्लूड रूही उसका सब स्वागत करते हैं, कहते हैं भाभी आपका पहला कैसा रहा दिन कॉलेज में। इधर सबके साथ रूही बहुत मस्ती करती है, इधर अबीरा और अरमान बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो रूही है उसके मन में अभी भी अरमान के लिए कुछ ना कुछ है। और रूही और अरमान बात कर रहे होते इस दौरान, अब अरमान रूही को बताता है कि अबीरा एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, लेकिन मेरे लिए वो नहीं है, क्योंकि आज कॉलेज में थोड़ी सी अटेंशन मुझे क्या मिल गई कि उसने मेरा कॉलेज में आना ही बंद कर दिया। और ये देखकर ना काफ़ी जलन होता है अबीरा को। अबीरा जब रूम में रहती है, आकर रूही उसे कहती है कि रूही तुमने, तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी नहीं है, तुमने अरमान की इंसल्ट कर देती है, कॉलेज में भी तुमने अरमान की इंसल्ट की, बहुत सारी बातें कहती है। ये बात अबीरा को बहुत चुभती है। इधर किचन में जैसे ही अरमान अबीरा के लिए नूडल्स बना रहा होता है कि ये रूही जाकर नूडल्स बनाने लगती है, ये चीज़ अबीरा देख लेती है, क्योंकि अबीरा ने को रूही ने बहुत सारा बात सुनाया रहता है, इसलिए अबीरा गुस्सा रहती है। और अरमान जब लेकर आता है नूडल्स, तो अबीरा कहती है कि वो नूडल्स नहीं खाएगी, क्योंकि नूडल्स रूही ने बनाए हैं और तुम मेरे से रिलेटेड कोई बात तुम किसी से शेयर नहीं करोगे। तो क्या आपको लगता है कि अरमान जो है उसको बुरा लगा, या फिर रूही के मन में क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।